हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियान वांग एफएफ शेयर कर रही थी, और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो जियांग चेन है वो सिचेन की तरफ देख रहा था और सिचेन भी जियांग चेन की तरफ देख रहे थे, और ये दोनों ही सॉफ्ट हो गए थे। लेकिन हमारे भींगने वाला लैंसन ने नोटिस नहीं किया था। तो हमारा जो लैंसन है ना, अपने गागा को अपने साथ लेकर आता है और बिठाता है वहाँ पर, मतलब काउच में, और भींग के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि गागा, आप इतनी देर से क्यों आए, क्या हुआ, आप कभी इतना देर नहीं करते, जब बुलाता हूँ आ जाते हो, बोलता है। तो ना उसके गगा ना, मतलब उनको तो सॉफ्ट लग गया था, तो वो ना नहीं सुन पा रहे थे, मतलब समझ भी नहीं आ रहा था कैसे आंसर करें। तो ना हमारा लैंसन पूछता है कि गगा क्या हुआ, आप बोलो ना क्यों इतने देर से आए। तो ना हमारे जो सुचैन है ना, वो कहते कि हाँ लैंसन, मेरी ना मीटिंग थी इसी वजह से, बोलते हैं, और वो थोड़े रुक रुक के बोल रहे थे। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि आप मतलब मीटिंग में थे इतनी सुबह सुबह, कल रात भी मीटिंग में जा रहे थे, मतलब जाऊंगा बोल रहे थे, और अभी भी सुबह सुबह भी, अब कितने काम करते हो काका, बोल रहा था। तो ना सिचैन के मन में चल रहा था, तुझे पता लग गया था लहसर कि मैं क्या काम करके आया हूँ, तो तू मुझे ना शाबाशी दे रहा कि बड़े अच्छे काम करके आए हो भाई, मतलब वो ऐसा कह रहे थे मन में। तो हमारा जो लहसन है उसको तो कुछ नहीं पता है। तो हमारा लहसन ना मतलब कहता है कि गगा आपने कुछ कहा, तो सिचैन कहते हैं क्या मेरी मन की बात भी सुन ली। तो हमारा जो लहसन है ना, वो बोलता है अपने गगा को देखकर कि नहीं नहीं आपकी मन की बात नहीं सुनी है मैंने, बोलता है। तो ना मतलब सिचैन कह रहे थे तो ऐसा क्यों बोला, आपका फेस का रिएक्शन देख रहा था इसी वजह से ऐसा बोला, बोलता है लहसन। और हमारा जो लैंसन है ना, वो अपने गागा के साथ जियांग चेन को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मेरा देवर है, मतलब इनका ब्रदर है, और हमको नहीं मिलाया था शादी में क्योंकि इसका एग्ज़ाम था, इसी वजह से ये आ नहीं पाया था, ऐसा सब बोल रहा था, बता रहा था, क्योंकि उसको भी पता लग गया था कि जियांग चेन क्यों नहीं आ पाया था, क्या हुआ था, तो वो बता रहा था। तो सिचैन और जियांग चेन ना एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और कहते हेलो बोलते हैं। उसके बाद ना ये दोनों क्या बोले, दोनों की ही समझ में नहीं आ रहा था, मतलब जियांग चेन और सुचैन को, तो वो दोनों कुछ नहीं बोलते और लैंसन की बात सुनने लगते हैं। और लैंसन कह रहा था कि अब दोनों को कुछ बताना था इसीलिए तो हम दोनों ने बुलाया था, और वो क्या है बात बताऊँ, बोलता है। तो ना सुचैन कहते कि बताओ, तो जियांग चेन भी कहता कि बोलो। तो ना हमारा जो लहसन है ना, वो कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये सुनकर ना हमारे सिचैन जो है ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, और कहते हैं कि क्या मैं अंकल बनने वाला हूँ, बोलते हैं। तो ना हमारा लहसन कहता है कि हाँ हाँ अंकल बनने वाले हो। तो हमारा जो बीइंग है ना, वो कहता है कि मैं फादर बनने वाला हूँ, बोलता है जियांग चेन को। तो हमारा जियांग चेन कहता है कि क्या आप फादर बनने वाले हो, गगा आपने इतनी बड़ी बात मुझे अब बता रहे हो। तो ना हमारा जो बींग है वो कहता है कि कल ही पता लगा, तो अभी बताऊंगा ना, तो कब बताऊं। तो ना हमारा जियांग चेन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो, बोलता है। उसके बाद ना ये लोग बातें करते हैं, और हमारा जो बींग है वो ना जियांग चेन को नोटिस कर रहा था कि जियांग चेन को ना चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ना वो पूछता है एक टाइम कि जियांग चेन क्या हुआ तुझे, तू ऐसे मतलब ऐसे क्यों चल रहा है। तो ना हमारा जो मतलब जियांग चेन है, वो कहता है कि गगा वो मैं बाथरूम में फिसल गया था और गिर गया था, बोलता है। तो ना हमारा जो विंग है वो कहता है कि क्या बाथरूम में फिसल गए थे, कहाँ पर लगी चोट। तो ना हमारा जियांग चेन कहता है कि नहीं गगा, कमर में थोड़ी सी लग गई है और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया है, और आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा विंग जियांग चेन के साथ स्ट्रिक्ट है, लेकिन अपने भाई से बहुत प्यार करता है वो भी, तो वो ऐसा कह रहा था। तो हमारा लैंसन भी सुन लेता है, और लैंसन कहता है कि क्या बाथरूम में गिर गए, कैसे गिर गए,
तो हमारा जो जंक्शन है वो कहता है कि पानी गिरा हुआ था तो फिसल गया बोलता है। तो ना हमारे सचिन को तो मतलब सब पता लग रहा था कि ये बहाने चल रहे हैं इसके। नहीं तो कल रात हम दोनों के बीच में जो हुआ उसी वजह से होगा ये हाल। तो उनके दिमाग में ये चल रहा था। हमारा जो लैंसन है वो कहता है कि तुम यहाँ पर रुक जाओ जियांगचन, तुम्हें घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वहाँ पर कौन ख्याल रखेगा और कौन तुम्हें अरे देखभाल करेगा, तो तुम यहीं पर रुक जाओ। और ऐसा बोल रहा था हमारा लैंसन। तो विंग भी कहता है कि हाँ हाँ यहीं पर रुक जाओ और ऐसा बोलता है। तो हमारा जियांगचन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है बोलता है। उसके बाद ना हमारे सिचेन जो है ना वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनको जियांगचेन से बात करनी थी, लेकिन जियांगचेन तो यहीं पर रहने वाला है तो बात कैसे करें, तो बात तो नहीं हो पाएगी। दिखाया जाता है कि हमारा जो जियांगचेन है उसके दिमाग में चल रहा था कि क्या वो पर्सन मतलब मेरे भाई का मतलब रिलेटिव है, हमारा रिलेटिव है, और ये बात अगर बाहर आ गई, किसी को पता लग गया कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था, तो क्या पंगा होगा आगे, क्या सब होगा, मेरा भाई तो उसे छोड़ेगा नहीं और क्या होगा बोल रहा था। और ना हमारे जो सिचेन है ना वो दूसरी तरफ घर पहुंच गए थे और वो भी जाकर बेड पर लेट गए थे और सोच रहे थे कि क्या वो मतलब लहसन के रिलेटिव है और मतलब वो क्या होगा, किसी को अगर पता लग गया तो हाँ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, लेकिन सबको कैसे बताऊँ, उसके साथ तो बात ही नहीं हुई है मतलब बात ही नहीं हुई है मेरी, क्या 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 करूँ, ऐसा मतलब वो थोड़े थोड़े अटक अटक कर बोल रहे थे और घबरा रहे थे। तो ऐसे ही ना दिन बीतने लगते हैं और हमारा चांगचन जो है ना वो ना मतलब हमारे विंग और लहसन के साथ ही रुका रहता है, क्योंकि विंग और जंगचन मतलब सॉरी विंग और लहसन ने कहा था कि तुम यहीं पर रुक जाओ, बेबी होने के बाद ही चले जाना, ऐसा सब बोला था। तो हमारा जंगचन हाँ बोला था और उसने अपना लगेज सब सामान यहाँ पर मतलब मंगवा दिया था। तो आज क्या होता है मतलब ये तो दिन बीत रहे थे, दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे। हमारा जियांगचैन कॉलेज जा रहा था, कॉलेज से घर आ रहा था, अपने फ्रेंड्स से मिलता था, बातें करता था, ऐसा करते करते ना दिन बीत रहे थे। तो क्या होता है कि हमारा जो लहसुन है ना उसको चेकअप करने के लिए मतलब दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना था कि बेबी का हेल्थ ठीक है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं, तो वो जियांगचेन के साथ जाता है। तो हमारा जो जियांगचेन है वो जाता है लहसुन के साथ। तो वेंचिंग मतलब लहसुन को चेक कर रही थी और हमारा जियांगचेन बाहर था। तो हमारा जो लहसुन है ना वो चेकअप करवाता है, तो वेंचिंग कहती है बेबी का हेल्थ ठीक है, अच्छा है, कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा सब बोल रही थी। और उसके बाद कुछ देर बाद ही हमारा जो लहसुन है ना वो बाहर आ जाता है। तो हमारा जो जियांगचेन है मतलब क्या होगा, उसको ना चक्कर आ गए और वो ना बेहोश हो गया। तो हमारा जो लहसुन है वो घबरा गया था कि क्या हो गया। और हमारे लहसुन का ये दूसरा महीना चल रहा था तो क्या हो गया करके वो घबरा गया। तो हमारा जो मतलब जेंसन है उसको तो होश ही नहीं था, तो वेंचिंग को बुलाता है लैंसन, मतलब केबिन के बाहर ही था ना उस रूम के, तो वेंचिंग वेंचिंग बोलता है। तो वेंचिंग आवाज़ सुनकर बाहर आती है तो देखती है कि जेंसन बेहोश है, और जेंसन को हमारी वेंचिंग भी जानती थी। तो हमारी जो वेंचिंग है ना वो जेंसन को अपने केबिन में लेकर जाती है, मतलब बाकियों को बुलाती है कुछ लोगों को, और हमारे लहसुन को मतलब लहसुन को भी अंदर लेकर जाती है और मतलब हमारे जंक्शन को लेकर जाती है। और हमारा लहसुन ना मतलब वेट कर रहा था और हमारी वेंचिंग जो है ना वो ना हमारी जंक्शन को चेक कर रही थी। और वो जैसे ही चेक करती है वो सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट में थी वो, कि क्या बोलकर वो सॉफ्ट में थी। तो वो ना दोबारा चेक करती है, तीन बारी चेक करती है, चार बारी चेक करती है, उसके बाद ना वो सॉफ्ट में ही थी। तो हमारा जो लहसुन है वो पूछ रहा था कि वेंचिंग इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि वो वेंचिंग और जंक्शन पर्दे के पीछे थे ना, हमारा लहसुन
पर्दे की इस तरफ था, वो दोनों उस तरफ थे, तो ऐसे पूछ रहा था लहसन। तो ना हमारा जो मतलब जो जंक्शन है उसको तो होश नहीं आया था। तो वेंचिंग ना बाहर आती है मतलब पर्दे से और कहती है कि सुनो लहसन, उनसे कुछ बात करनी है। तो ना हमारा लहसन कहता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो ना वेंचिंग कहती कि बैठो पहले उसकी बात बताऊंगी। वो भी थोड़ा शॉक्ड हो गई थी। और ना जंक्शन की मैरिज नहीं हुई है ये पता है उसको भी, तो वो शॉक्ड में थी। तो इसी वजह से तो वेंचिंग बताती है कि जंक्शन प्रेग्नेंट है। तो ये सुनकर ना मतलब हमारा लहसुन शॉक। और हमारी वेंचिंग बताती है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी की ही प्रेगनेंसी है, कुछ ही टाइम हुआ है। और ऐसा बता रही थी तो हमारा जो लहसुन है वो सॉफ्ट में था, क्योंकि लहसुन और जंक्शन ना इस टाइम में क्लोज आ गए थे, लेकिन हमारे जंक्शन ने उसको ये नहीं बताया था कि इसके लाइफ में कोई है या फिर नहीं है, मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं है, नहीं बताया था। तो ये सुनकर ना हमारा लहसुन सॉफ्ट में था। तो हमारा जो लहसुन है वो कहता है कि तुम विंग को मत बताना वेंचिंग, पहले मुझे जंक्शन से बात करनी है, तुम विंग को मत बताना। विंग को अगर पता लगा तो वो उसको तो मतलब मुझे पता है वो अपने भाई के लिए कितना प्रोटेक्टिव है, क्या है, मतलब सब पता है। इतने टाइम में उसको तो इतना ही जान तो गया हूँ कि पता है कि वो कैसा पर्सन है, मतलब अपने भाई से कितना प्यार करता है। तो तुम मत बताना भी, मैं जंक्शन से बात करूँगा बोलता है। तो हमारी जो वेंचिंग है वो हाँ कहती है। तो दिखाया जाता है कि हमारा जो मतलब जंक्शन है ना उसको होश आ गया था। तो वो कहता है कि मुझे क्या हुआ था बोलता है। तो ना हमारा जो लहसुन है वो कहता है कि कुछ नहीं, चलो घर में बताऊंगा बोलता है। तो हमारा जंक्शन कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे मुझे कुछ दिनों से पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं और अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। तो ये दोनों घर आ गए थे और हमारा जो लहसुन है मतलब जंक्शन को उसके रूम में लेकर जाता है, उसको बिठाता है बेड पर और कहता है कि जंक्शन मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी लाइफ में मतलब कोई है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड या फिर कोई। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो एक टाइम के लिए सचिन के बारे में सोचता है और कहता है कि नहीं है, लेकिन हमारे जंक्शन ने उसका एक्सप्रेशन नोट कर दिया था कि वो किसके बारे में सोचा था करके। तो हमारा जो लहसुन है वो कहता है कि जंक्शन तुम्हें एक बात बतानी है। तो जंक्शन कहता है कि बोलो, मतलब बोलिए। तो हमारा जो लहसुन है वो कहता है कि जंक्शन तुम प्रेग्नेंट हो और कुछ ही टाइम हुआ है प्रेगनेंसी को। तो ना हमारा जंक्शन कहता है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप गगा को मत बताना प्लीज़, प्लीज़ मत बताना गगा को मत बताना, मुझे मुझे बहुत डर लगता है गगा ने अगर कुछ किया क्या क्या तो क्या क्या करेंगे वो, मुझे डर लग रहा है। और ऐसा कैसे हो गया उस दिन वो सब हुआ था तो इसी वजह से हो गया, ऐसा सब बोल रहा था, वो घबरा कर बोल रहा था। तो हमारा जो लहसुन है वो पूछता है कि ये बेबी किसका है। तो ना हमारा जंक्शन कहता है कि मैं आपको कैसे बताऊं बोलता है। तो ना हमारा लहसुन कहता है कि मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे जंक्शन बोलता है। तो ना जंक्शन कहता है मैं आपको कैसे बताऊं, आप सिर्फ ना आप सिर्फ ना अपने भाई का नंबर दे दीजिए। तो ये सुनकर हमारा जो लहसुन है वो सॉफ्ट में चला जाता है और वो कहते हैं कि क्या मेरे भाई का नंबर, मतलब मेरे गागा का नंबर। तो हमारा जो जंक्शन है वो कहता है कि हाँ, मुझे उनका ही नंबर चाहिए। तो हमारे लहसुन को तो पता लग गया था कि मतलब वो प्रेग्नेंट है तो किसी अल्फा का नंबर मांगेगा तो उसके बेबी का फादर होगा और किसी का तो मांगेगा नहीं ना। तो हमारा लहसुन सॉफ्ट में था और जंक्शन के पास आकर बैठ जाता है और हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है।
और हमारे जंक्शन का मतलब प्रेगनेंसी की बात जानकर सिचन का रिएक्शन क्या होगा और आगे सब क्या होगा, अंकल का रिएक्शन, जंक्शन के फादर का रिएक्शन, वी का रिएक्शन, बाकियों का क्या होगा। और आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग मुझे जो कमेंट कर कर मतलब बताते हो कि स्टोरी कैसी लग रही है, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू कमेंट करने के लिए।